साथियों एकेडमिक ईयर 2023-24 की यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन की जा रही है। अब यूडाइस प्लस पोर्टल पर आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी और स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य कैसे करना है इससे जुड़े वीडियो में चैनल पर पहले ही आपकी सहायता है तो उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपको उन वीडियो की आवश्यकता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। अब बात करें आज के वीडियो की, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट मॉड्यूल हमारा है उसमें एक इम्पोर्ट मॉड्यूल हमें दिया गया है, उस पर आपको कार्य कैसे करना है। और साथियों ये वीडियो मैं क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि मेरे पास अधिकतर साथियों का कमेंट आ रहे हैं कि सर जो प्राइवेट स्कूल से हमारे विद्यालय में विद्यार्थी टीसी लेकर आए हैं उनको हम इम्पोर्ट कैसे करें, या हमारे विद्यालय से कोई विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में गया है तो हम प्राइवेट स्कूल वाले संस्था प्रधान उस विद्यार्थी को अपने विद्यालय में इम्पोर्ट कैसे करें। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए, कॉल्स भी आई और मैसेज भी आए हैं, इसीलिए मैं आपकी डिमांड पर यह वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताऊंगा कि यदि आपके विद्यालय में किसी अन्य विद्यालय से, चाहे वो राजकीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, कहीं से भी विद्यार्थी आया है, उसने प्रवेश लिया है, तो उसको यूडाइस पर जो स्टूडेंट इम्पोर्ट मॉड्यूल है उसके थ्रू आपको कैसे अपने विद्यालय में प्रवेश देना है वो जानकारी आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिल जाएगी। तो जानकारी देने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आल पर भी प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ साथियों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को आप लाइक करना वीडियो के अंत में भूल जाते हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। यूडाइस प्लस पोर्टल पर उपलब्ध इम्पोर्ट मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए सबसे पहले हम यहीं से प्रक्रिया सीखते हैं। आपके सिस्टम में जो क्रोम ब्राउजर है उसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ मिलेगा एक सर्च के लिए ऑप्शन, तो आप यहाँ क्लिक करके ये सर्च कीजिएगा, जैसा मैं सर्च कर रहा हूँ यूडाइस, ये लिखकर आपको सर्च कर लेना है। तो आपको यूडाइस प्लस की पहली साइड मिल जाएगी, इस साइड पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का होम पेज आपके सामने आएगा यूडाइस प्लस लॉगिन का, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल नेम से, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको ध्यान से देखना है साथियों। तो यहाँ लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का जो ऑप्शन हमें मिल रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब हमें इधर आना है, यहाँ पर हमें स्पष्ट बताया हुआ है यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24, तो हम 23-24 के एकेडमिक ईयर की यूडाइस ऑनलाइन कर रहे हैं और उसमें हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट मॉड्यूल, इसके सम्मुख हमें स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप यहां से सेलेक्ट कीजिएगा। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो मैंने यहां राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप जब अपना स्टेट यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहां गो का ऑप्शन मिलेगा, आप गो पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा, आपके स्टेट का नेम आपको यहां बताया जाएगा। जैसे मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया है तो मुझे यहां राजस्थान बताया जा रहा है, ऐसे ही आप जिस भी स्टेट को सेलेक्ट करेंगे वो उस स्टेट का नेम आपको यहां दिखाया जाएगा और वो अलग कलर में होगा। तो आपको इसी स्टेट के नेम पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहां आपको यूजर आईडी डालने के लिए कहा जाएगा, आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर लॉगिन करना है तो यहां यूजर आईडी डालने के लिए कहा जा रहा है। तो यूजर आईडी जो आपके डाइस कोड है वही आपकी यूजर आईडी है। यदि डाइस कोड में आपके आगे जीरो लगा हुआ है तो आपको जीरो भी लगाना है, मतलब आपको यहाँ पूरे अपने डाइस कोड एंटर कर लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो जो भी आपके यूडाइस लॉगिन के पासवर्ड है, जो आपने पासवर्ड बना रखे हैं उन पासवर्ड को आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा। अब बात आती है साथियों यहाँ की, यदि आप आपके पासवर्ड भूल चुके हैं और आपको अपने पासवर्ड रिसेट करने की प्रक्रिया मालूम नहीं है तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर लीजिएगा, वहां मैंने एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है, उसकी सहायता लेकर आप आसानी से अपने यूडाइस के पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। जब पासवर्ड रिसेट कर लेंगे और पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएंगे तो आप वो पासवर्ड यहाँ एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा, इस कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम यहाँ एंटर कर लेना है। फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ लॉगिन का, तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है।
जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ स्पष्ट बताया जाएगा एकेडमिक ईयर 2023-24। अब इसके सम्मुख आपको यहाँ एक अलग सा एरो का निशान दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी, तो आपको जो यहाँ क्लोज का बटन मिल रहा है साथियों, इस क्लोज वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। अब इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, इन सभी ऑप्शन पर कार्य करने की प्रक्रिया से युक्त वीडियो मैं पहले ही चैनल पर आपकी सहायता हेतु अवेलेबल करवा चुका हूँ। यदि आप चैनल पर नए आए हैं, आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा है जो इस इन मॉड्यूल से संबंधित है उन वीडियो को, तो प्लीज आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का अवश्य विजिट कर लीजिएगा। वहां मैंने प्रत्येक मॉड्यूल पर कार्य करने की प्रक्रिया से युक्त वीडियो का लिंक आपकी सहायता है तो अवेलेबल करवा रखे हैं, तो आप उन वीडियो की सहायता लेकर त्रुटि रहित अपनी यूडाइस जो है बड़े आसानी से आप फिल कर पाएंगे। किसी से आपको कोई चीज पूछने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आपने मेरे वीडियो देख ले हैं। अब बात करते हैं आज की जो वीडियो की, हमारा जो मुख्य बिंदु है कि हम स्टूडेंट को इंपोर्ट कैसे करेंगे अदर स्कूल से हमारे विद्यालय में अध्ययन करने आया है तो उसके लिए आपको यहाँ मिल जाएगा साथियों प्रोग्रेशन एक्टिविटी नेम से एक मॉड्यूल मिलेगा। इसके सम्मुख रेड कलर में आपको डिस्प्ले हो रहा है न्यू, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी, तो आपको यहाँ मिल जाएगा इंपोर्ट मॉड्यूल। जिस भी विद्यालय से विद्यार्थी आपके विद्यालय में आया है अध्ययन करने के लिए, उस विद्यार्थी को आपको इंपोर्ट करना होगा उस विद्यालय से। तो साथियों आपको इंपोर्ट मॉड्यूल पर कार्य करने से पहले ये जो पहला वाला मॉड्यूल है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इस मॉड्यूल पर कार्य अपना पूरा करना होगा, मतलब इस मॉड्यूल को आपको फाइनलाइज करना होगा, उसी के बाद आप इंपोर्ट मॉड्यूल पर कार्य कर पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर आपको कार्य कैसे करना है इससे जुड़ा वीडियो मैं पहले ही चैनल पर उपलब्ध करवा चुका हूं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की हेल्प ले लीजिएगा और उस वीडियो की हेल्प लेकर आप पहले अपना प्रोग्रेशन मॉड्यूल पूरा कर लीजिएगा, उसको फाइनलाइज कर दीजिएगा। जो ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है फाइनलाइज का, इससे आपको इस मॉड्यूल को पूरा करना है और फाइनलाइज करना है, उसके बाद आपको आना है इंपोर्ट मॉड्यूल पर, तभी आपका इंपोर्ट मॉड्यूल कार्य करेगा। विद्यार्थी आप तभी इंपोर्ट कर पाएंगे, अन्यथा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते जब तक आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कार्य पूरा नहीं कर लेते। तो अब हम आगे चलते हैं। मैंने मेरा जो विद्यालय का है वो प्रोग्रेशन मॉड्यूल पूरा कर लिया है और मैं विद्यार्थी को इंपोर्ट करना चाहता हूं कि मेरे विद्यालय में अदर विद्यालय से विद्यार्थी आया है अध्ययन करने के लिए और अपने विद्यालय में उसको लेना चाहता हूं, उसको यूडाइस में बताना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको यहां गो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस गो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है यदि आप भी विद्यार्थी को इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी, तो आपको सबसे पहले जो यहाँ है सर्च बाय नेशनल कोड, मतलब स्टूडेंट को आपको नेशनल कोड के माध्यम से सर्च करना होगा जिस विद्यार्थी को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, या आपने आपके विद्यालय में विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय से आया है और आप उसे अपने विद्यालय की यूडाइस में जोड़ना चाहते हैं, तो आपको विद्यार्थी को इंपोर्ट करना होगा, इसलिए उसके नेशनल कोड हमें सबसे पहले सर्च करने हैं। तो यहाँ हमें ऑप्शन दिया हुआ है गेट नेशनल कोड का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, तो आपसे कहा जाएगा कि आप विद्यार्थी के आधार नंबर जो है वो यहाँ पर एंटर कर लीजिए, उसके बाद आपको विद्यार्थी का ईयर ऑफ बर्थ यहाँ डालना है। साथियों यहाँ आपको ध्यान रखना है पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी है विद्यार्थी की, केवल उसका ईयर ऑफ बर्थ डालना है, मतलब आपको सन डाल लेना है कौन से सन में उसका जन्म हुआ है, वो सन आप यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सर्च का, तो आपको सर्च पर क्लिक कर लेना, कुछ टाइम प्रोसेस होगी और विद्यार्थी के जो नेशनल कोड है वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, जैसे कि मुझे डिस्प्ले हो चुके हैं, सेम इसी तरह से आपको यहाँ नेशनल कोड विद्यार्थी के डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये नेशनल कोड आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब आगे की प्रक्रिया हम यही इसके बाद करेंगे, तो हम इस नेशनल कोड को कॉपी कर लेंगे, या फिर आप नोट करना चाहते हैं डायरी में तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्रॉस का ऑप्शन मिलेगा, इस क्रॉस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ नीचे आना है जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ आपको एंटर करने हैं विद्यार्थी के नेशनल कोड, जो नेशनल कोड आपने अभी कॉपी किए हैं या नोट किए हैं उन नेशनल कोड को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये आ चुके हैं विद्यार्थी के नेशनल कोड यहाँ पर। अब यहाँ जो हमें विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए कहा जा रहा है,
तो आपको डेट ऑफ बर्थ कहां से मिलेगी, विद्यार्थी आपके पास टीसी लेकर आया है तो आपने प्रवेश रजिस्टर में विद्यार्थी की एंट्री भी की है, तो आप या तो सीधे विद्यार्थी की टीसी देख लीजिएगा, उस पर आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, या फिर आप प्रवेश रजिस्टर देख लीजिएगा, वहां विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ आपको मिल जाएगी। तो आप जब डेट ऑफ बर्थ देख लेंगे तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं ईयर यहाँ आपको बिल्कुल प्रक्रिया करके बता रहा हूँ साथियों। तो मैं 2015 मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपको महीना सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको तिथि सेलेक्ट करनी है जिस तिथि को विद्यार्थी का जन्म हुआ है। तो आपको विद्यार्थी की पूरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिखाई देने लगेगी। अब आपको आगे यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा गो का, तो आप गो पर क्लिक कर लीजिएगा। अब हो सकता है आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाए साथियों। मैं यहाँ पहले आपको जो दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आपको स्टूडेंट को इंपोर्ट करके भी बताऊंगा। अब यहाँ मुझे लिखा मिल रहा है रेड कलर में, प्रोग्रेशन डन बाय द स्कूल स्टडी इन एकेडमिक ईयर 2022-23, मतलब जो जिस विद्यालय में ये विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है उस विद्यालय ने यू डाइस पर इसकी प्रोग्रेशन को पूरा कर दिया है, हमें यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है। स्टूडेंट अटैच विद द सेम स्कूल इन 2023-24, और मुझे आगे बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये विद्यार्थी उसी विद्यालय में अध्ययनरत है अभी वर्तमान की कंडीशन में, हो सकता है ऐसा आपको देखने को मिल जाए, या फिर आपको यहाँ मिल जाए कि प्रोग्रेशन नॉट डन बाय स्कूल। आपको अगर ऐसा मिलता है कि यहाँ प्रोग्रेशन विद्यालय के द्वारा डन नहीं किया गया है तो कुछ दिन वेट करना है। यदि विद्यालय जो है जो जिस संबंधित विद्यालय से विद्यार्थी आपके विद्यालय में अध्ययन करने आया है उस विद्यालय में सबसे पहले उसकी प्रोग्रेशन होगी, वहां उसको दिखाया जाएगा कि इस विद्यार्थी ने हमारे विद्यालय से विद्यालय छोड़ दिया है, टीसी विद्यार्थी लेकर विद्यालय से जा चुका है। सबसे पहले जिस विद्यालय से विद्यार्थी आपके विद्यालय में अध्ययन करने आया है वो विद्यालय विद्यार्थी को दिखाएगा कि भाई विद्यार्थी मेरे विद्यालय से जा चुका है, उसकी प्रोग्रेशन में आपको बताएगा। अब प्रोग्रेशन आपको कैसे करनी है यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने प्रत्यक्ष वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो की सहायता लेकर देख सकते हैं कि आप विद्यार्थियों की प्रोग्रेशन फाइनलाइज कैसे करेंगे। तो जब संबंधित विद्यालय विद्यार्थी को दिखा देगा कि भाई विद्यार्थी हम मेरे यहाँ से जा चुका है, तभी आप विद्यार्थी को यहाँ इम्पोर्ट कर पाएंगे। अब आपको यहाँ इस तरह का डायलॉग बॉक्स मिल सकता है देखने को, इम्पोर्ट इज नॉट अलाउड, प्लीज कॉन्टेक्ट टू ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MIS फॉर फर्दर क्वायरीज। तो अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों, मैं पूरा वीडियो आपके साथ क्लियर करूंगा कि आप इम्पोर्ट कैसे करेंगे। ये जो संबंधित विद्यार्थी है इस विद्यालय को संबंधित विद्यालय ने जो है अभी TC जारी नहीं की है UDICE के ऊपर, इसलिए मुझे ऐसा यहाँ लिखा मिल रहा है, आपको भी ऐसा मिल सकता है। तो अब हम क्या करें, मैं दूसरे विद्यार्थी के आपको करके बताता हूँ कि आप कैसे इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए मैं वापस आ जाता हूँ वहीं पर जहां से मैंने नेशनल कोड सर्च किए थे। अब मैंने दूसरे विद्यार्थी के नेशनल कोड यहाँ एंटर किए हैं, आप स्पष्ट देख सकते हैं मैंने दूसरे विद्यार्थी के नेशनल कोड यहाँ एंटर कर लिए। विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ भी मैंने यहाँ चेंज कर ली है क्योंकि विद्यार्थी दूसरा में सर्च कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ गो पर क्लिक किया तो मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, प्रोग्रेशन डन बाय स्कूल स्टडी इन एकेडमिक ईयर 2022-23, मतलब जिस विद्यालय में ये विद्यार्थी अध्ययनरत था वहां इसकी प्रोग्रेशन UDICE प्लस पोर्टल पर कर दी गई है, करंटली इन ड्रॉप बॉक्स। और ये करंटली जो ये स्टूडेंट है ये ड्रॉप बॉक्स में संबंधित विद्यालय के, मतलब इस विद्यार्थी की वहां से TC जारी कर दी गई है UDICE प्लस पोर्टल पर भी, और ये संबंधित विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित हो रहा है। अब ड्रॉप बॉक्स क्या है उससे संबंधित आप जानकारी चाहते हैं तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जानकारी ले लीजिएगा कि ड्रॉप बॉक्स में विद्यार्थी कैसे आएगा, वो संपूर्ण जानकारी मैंने दूसरे वीडियो में दी है। अब यहाँ आगे हमें मिल रहा है नॉट इम्पोर्ट बाय एनी स्कूल, और विद्यार्थी को किसी विद्यालय द्वारा इम्पोर्ट भी नहीं किया गया है, तो विद्यार्थी से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। आपको चेक कर लेना है जिस विद्यार्थी को आप अपने विद्यालय में प्रवेश देना चाहते हैं या इम्पोर्ट करना चाहते हैं क्या यह वही विद्यार्थी है, संपूर्ण डिटेल को प्रवेश रजिस्टर से मिला लेना है, उसके उपरांत ही आपको आगे की प्रोसेस करनी है साथियों, अन्यथा आपका गलत एडमिशन हो जाएगा UDICE पोर्टल पर। अब इसके विद्यार्थी की स्कूलिंग डिटेल भी आपको बताई जाएगी, कौन से विद्यालय से विद्यार्थी आया है वो डिटेल आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब जो प्रोग्रेशन स्टेटस आपको यहाँ नीचे बताया जाएगा, प्रोग्रेशन स्टेटस में सबसे पहले
जिस विद्यालय से विद्यार्थी आया है वहां विद्यार्थी को क्या बताया गया है, प्रमोटेड बताया गया है, जैसा कि आपको यहाँ मिल रहा है। अब क्लास इलिजिबल कौन सी बताई गई है कि कक्षा सेकंड में ये विद्यार्थी एडमिशन ले सकता है आपके विद्यालय में, ये संबंधित विद्यालय ने बताया है जहां से विद्यार्थी टीसी लेकर आया है। ऐसे ही आपको भी देखना है कि आपका विद्यार्थी जिस संबंधित विद्यालय से आया है क्या उसको प्रमोट किया गया है या नहीं किया गया है, इलिजिबल क्लास उसकी देख लेनी है, उसको मार्क कितने प्राप्त हुए हैं वो मार्क भी आपको यहाँ शो हो जाएगी, और नंबर ऑफ डे स्कूल अटेंड, उसने कितने दिन स्कूल अटेंड किया वो इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद आपका कार्य यहीं से प्रारंभ होता है, इम्पोर्ट क्लास, आप कौन सी क्लास में उसको एडमिशन देना चाहते हैं ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो आप चाहें तो उसको कक्षा सेकंड में भी एडमिशन दे सकते हैं, उसके बाद डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, आप उसको कौन सी क्लास में एडमिशन दे रहे हैं जो संबंधित विद्यार्थी आ रहा है उसको। तो आप, मैं जैसे कि यहाँ कक्षा एक में एडमिशन दे रहा हूँ तो मैंने यहाँ एक सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मुझे यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको भी यही ऑप्शन मिलेगा, सेक्शन सेलेक्ट आप यहाँ करने के लिए आपको कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, जितने भी सेक्शन आपके विद्यालय में चलते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, तो आप यहाँ से सेक्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपने विद्यार्थी को एडमिशन कब दिया है वो एडमिशन डेट आपसे यहाँ मांगी जा रही है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद ईयर आपको यहाँ शो हो जाएगा, निश्चित आपने इसी सत्र की बात हो रही है तो आप यहाँ 2023 रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सबसे पहले हम ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा कि आपने कौन से महीने में एडमिशन दिया है, उसके बाद आपको यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेनी है जैसे कि मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा इम्पोर्ट का, तो आपको इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको विद्यार्थी का नेम यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा कि जिस विद्यार्थी को आप जो यूडाइस पोर्टल पर एंट्री दे रहे हैं या एडमिशन दे रहे हैं उसका नेम क्या है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, और उसके क्लास 2023-24 में संबंधित विद्यालय ने जहाँ से विद्यार्थी आया है उसकी एलिजिबल कक्षा कौन सी बताइए वो कक्षा आपको यहाँ दिखाई देगी, और आप कौन सी कक्षा में विद्यार्थी को एडमिशन दे रहे हैं अपने विद्यालय में वो कक्षा भी आपको यहाँ बताई जाएगी। तो आप श्योर हो जाएंगे कि इसी विद्यार्थी को आप एडमिशन देना चाहते हैं यूडाइस के माध्यम से अपने विद्यालय में, तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, आप कन्फर्म पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा स्टूडेंट इम्पोर्टेड सक्सेसफुली, और स्टूडेंट आपके विद्यालय की यूडाइस में आ जाएगा। अब आपको विद्यार्थी को देखना है कि विद्यार्थी कहाँ मिलेगा, तो यहाँ आपको आगे एक मॉड्यूल दिया हुआ है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, जिसको मैंने अभी वीडियो के आरंभ में आपको बताया था, तो आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल में के यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है समरिका में ले जाकर भी बता देता हूँ साथियों विद्यार्थी आपको कहाँ दिखाई देगा, तो आपको यहाँ क्लिक करना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर। अब यहाँ आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है समरी का, आपको समरी पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप समरी पर क्लिक करेंगे जितने भी विद्यार्थी आपके विद्यालय में होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके सामने खुलकर, तो आप इस विद्यार्थी को समरी में के माध्यम से अपने विद्यालय में देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से गो पर क्लिक करके क्लास सेलेक्ट करके जिस कक्षा में आपने एडमिशन दिया है वहाँ आप कक्षा में विद्यार्थी को सर्च कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं आगे यहाँ आपको नहीं बता पा रहा हूँ साथियों, परंतु यदि आपको इस कार्य को करने में किसी भी प्रकार की आगे तकनीकी समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अलग से एक नया वीडियो जारी कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, आपको विद्यालय में पंजिका संधारण से संबंधित या ऑनलाइन कार्य करने से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए आपकी समस्याओं के समाधान करने के लिए एक नया वीडियो जारी कर दूंगा जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी, तो प्लीज़ मुझे अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।